हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी। तो दोस्तों, मैट्रिक इंटर में वैसे छात्र छात्रा जो 2020 में एग्जाम दिए हैं, वे जो है अपने मार्कशीट एवं प्रोविजनल मार्कशीट को लेकर काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर फाइनली जो है बिहार बोर्ड ने ऑनलाइन मार्कशीट एवं प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करने की यहाँ पर जो है सुविधा दे दी है। आप लोग अपने फोन में मार्कशीट एवं प्रोविजनल मार्कशीट घर बैठे कैसे ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे, कहाँ से और कैसे डाउनलोड करेंगे, मैं सारा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ और डाउनलोड करके लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने फोन में मार्कशीट एवं प्रोविजनल मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप 2020 में पास किए हैं, आप लोग जो है ऑनलाइन अपने फोन में मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसी वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। सबसे पहले बिहार बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस को मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद आप लोग को अपने फोन में कैसे ऑनलाइन मार्कशीट और प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजी लॉकर से निकाले मैट्रिक और इंटर का अंक पत्र। देखिए, यहाँ पर जो है बिहार बोर्ड ने बहुत बड़ी सुविधा दे दी कि यहाँ पर जो है आप लोग किसी भी बोर्ड से अपने फोन में मार्कशीट और प्रोविजनल मार्कशीट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने डीजी लॉकर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2020 के अंक पत्र और प्रमाण पत्र को डाल दिया है। छात्र अंक पत्र और प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी डीजी लॉकर से निकाल सकते हैं। अगर किसी छात्र का रजिस्ट्रेशन डीजी लॉकर में नहीं है तो ऐसे में छात्र डीजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इसकी भी सुविधा बिहार बोर्ड ने वेबसाइट पर दिया है। बोर्ड के डीजी लॉकर में अंक पत्र और प्रमाण पत्र डालने से छात्रों को 11वीं में नामांकन लेने में सुविधा होगी। फाइनली बिहार बोर्ड ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट का मार्कशीट एवं प्रोविजनल मार्कशीट जो है अपलोड कर दिया है। आप लोग कैसे अपने फोन में डाउनलोड करेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ। मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में एक वैसा अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा सर्च में क्या लिखना है, digilocker.gov.in लिखकर आपको सिंपल सा सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो है आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप फोन में डाउनलोड करना चाहते थे, यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। उसके बाद डेस्कटॉप साइट को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद जो है इस तरह का आप लोग का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप पहले से यूजर आईडी और पासवर्ड बनाए हैं तो यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आप न्यू क्रिएट हो तो यहाँ पर जो है साइन अप कर सकते हैं। तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप लोग का यूजर नेम एवं पासवर्ड क्रिएट करना होगा। यूजर नेम जो है आप लोग अपने नाम रख दीजिए, उसके बाद 1, 2, 3 रख दीजिए। उसके बाद पासवर्ड में आप लोग का जैसे राजू नाम है तो फर्स्ट कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद 1, 2, 3 रख सकते हैं। उसके बाद जीरेट लगा दीजिएगा, आप लोग का पासवर्ड बन जाएगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, अगर आप पहले से इसमें लॉगिन है, अगर आप यूजर नेम एवं पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप यूजर नेम को रिकवर कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपसे जो है यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर फिलअप करके यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा तो जो है आपका जो है यूजर नेम दिखाई दे देगा। तो मैं ऑलरेडी पासवर्ड यूजर नेम बना लिया हूँ, तो यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करता हूँ। साइनअप पर क्लिक करने के बाद आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जो सिंपल से आप लोग का आधार नंबर फिलअप कर देना है। आधार नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट दिख रहा है, नेक्स्ट पर आप लोग का क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है आपका जो भी आधार नंबर में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर जो है एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी का जो है इसमें फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सिंपल सा यहाँ पर ओटीपी आ गया है जो 8993 है, तो मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। तो इसमें आप लोग लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग को क्या करना है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर जो है ईमेल आईडी जो है देकर यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इश्यू डॉक्यूमेंट, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट मोर इशू डॉक्यूमेंट पर, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग का क्लिक करने के बाद जो है इसमें वही छात्र छात्राएं जो है अपने मार्कशीट को डाउनलोड कर पाएंगे। जो छात्र छात्राएं रजिस्ट्रेशन वक्त अपने आधार नंबर दिए थे उसका आधार नंबर वेरीफाई होगा, वही छात्र छात्राएं जो है इसमें अपने मार्कशीट को डाउनलोड कर पाएंगे और उनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना आवश्यक है, वही छात्र छात्राएं जो अपने मार्कशीट को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, यहाँ से आप लोग मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सभी का सभी बोर्ड यहाँ पर हर डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर अपलोड है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बिहार बोर्ड का डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन दिया है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर जो है मैट्रिक में 2020 में पास किए, तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग का मैट्रिक का ही दिखाएगा। अगर आप
टेंथ प्लस ट्वेल्थ किए हैं। अगर आप 2018 से पहले आप पास किए हैं तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप लोग 2000 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास टेंथ 2018 मार्कशीट एंड यहाँ पर जो 2018 से पहले आप लोग पास किए तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। 2018 के बाद में आप पास किए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। 2018-19 इंटर का यहाँ पर अपलोड नहीं है। 2020 में इंटर में जो भी छात्र छात्रा पास किए हैं यहाँ पर मैट्रिक इंटर दोनों का डाउनलोड कर सकते हैं। मार्कशीट डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लास टेंथ फॉर बिजनेस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो मैं मार्कशीट पर क्लिक करता हूँ। मार्कशीट पर क्लिक करने के बाद जो है आप लोग के पास इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आधार कार्ड से यहाँ पर नेम एवं डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो आप लोग को जिनका डाउनलोड करना होगा सभी का जो है अलग अलग यूजर आईडी एवं पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आप एक ही यूजर आईडी एवं पासवर्ड क्रिएट करके आप सभी का डाउनलोड नहीं कर सकते। जिसका डाउनलोड करना होगा वे जो है अलग अलग अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड क्रिएट करेंगे तभी जो है यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको रोल नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद रोल कोड यहाँ पर वर्ष आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टिक करके उसके बाद यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो आप लोग का वर्ष सेलेक्ट कर लेना है आप किस वर्ष पास किए। अगर आप 2018 के बाद पास किए तभी जो है आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप 2020 में पास किए यहाँ पर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर 2020 का ऑप्शन दे देगा, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते। यहाँ पर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जो है 10-12 सेकंड जो है वेट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग का व्यू डॉक्यूमेंट दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इशू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके जो है आप डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ। व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा मार्कशीट जो है डाउनलोड हो गया। यहाँ से जो है आप लोग प्रिंट भी ले सकते हैं या अपने डिजी लॉकर में सेव भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी जाएगा उसका ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।